हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शाही पनीर। आप घर पर इजी, क्विक और झटपट रेसिपी और शाही पनीर कैसे घर पर बनाएं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। आगे तक पूरी वीडियो देखेगा, नहीं तो बीच में देख कर आप लोग छोड़ देते हैं तो आपको पूरी रेसिपी उसकी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उसकी ग्रेवी बनाते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम उसमें ये मैंने 4 से 5 टमाटर काट के रखे हुए हैं। आप चाहे तो छोटे काट सकते हैं, चाहे बड़े काट सकते हैं, क्योंकि आखिर में तो इसमें पीसने ही है, तो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। से 5 टमाटरों के बाद ये मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज काट के रखे हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये लहसुन की कलियां हैं 6-7, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हम ये कुछ खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, 3 लौंग डाल रही हूँ, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। इसको हम हिला देंगे सारे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ काजू और कुछ बादाम डाल देंगे। ये हम बादाम और काजू हमने डाल दिए हैं। हमें इनको गलाना है, जो प्याज हमने और टमाटर डाले हैं ये सबको हम अच्छे से गला लेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम इसमें। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। डेढ़ ग्लास के आसपास पानी डाल दे रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि हमें प्याज और टमाटर को अच्छे से गलाना है। सॉफ्ट हो जाए जब तक हमारे टमाटर। साथ ही साथ हम इसमें जीरा डाल देंगे और हम इसको मिला देंगे। अब हमें इसका इंतजार करना है कि प्याज और टमाटर जो भी हमने डाले हैं इसमें वो सॉफ्ट हो जाए। ये हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी में जो भी हमने खड़े मसाले डाले हैं वो सब इसमें मिल जाएंगे अच्छे से, सब फ्लेवर अच्छे से इन्हांस होने लग जाएंगे। ये कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको। अब हम इसमें 2 चम्मच के आसपास इसमें मक्खन डाल देंगे। शाही पनीर जो होता है इसमें बटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो बटर की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं।
देख सकते हैं हम, ये हमारे टमाटर धीरे धीरे गलने शुरू हो चुके हैं। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं वो उसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो पूरी किचन में मेरी फैल चुकी है और उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये जो हमारे प्याज टमाटर हैं वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। वैसे इसको हम 5 मिनट और रखेंगे और ये हमारी ग्रेवी जो है बन जाएगी, फिर हम इसको पीस लेंगे। जो हमारा बटर पनीर मसाला होता है वो ज़्यादा स्पाइसी होता है, लेकिन जो शाही पनीर होता है वो लेस स्पाइसी होता है लेकिन उसका शाही टेस्ट होता है। बस इसको 5 मिनट और रखेंगे हम ऐसे ही। ये जो हमारी ग्रेवी है ये बिल्कुल ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। वही कढ़ाई मैंने वापस भी यूज कर लिया इसे क्लीन कर। अब हम क्या करेंगे, दो चम्मच के आसपास हम इसमें बटर फिर से ऐड कर देंगे अपना। एक चम्मच के आसपास मैं इसमें कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। एक चम्मच के आसपास हम इसमें धनिया डाल देंगे। और ये मैंने कसूरी मेथी ले लिया, इसे हम क्रश करके इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लेके रखा है, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। हम थोड़ा पनीर को इसमें ऐसे थोड़ा सॉटे कर देंगे, इससे पनीर का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाएगा बहुत। इसे हमें 2 मिनट तक ऐसे ही भुनना है। 2 मिनट तक आप भून लीजिए इसको पनीर को, जिसमें ये जो सारे फ्लेवर जो हमने इसमें ऐड किया है वो सारा पनीर में चला जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं हमारे पनीर को भूनते हुए। ये मैंने ग्रेवी अपनी पीस ली है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस ग्रेवी को। ये हमारा कुछ ग्रेवी इसमें रह गई है तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। हम इसमें वाटर ऐड कर दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा आपको कितनी ग्रेवी थिक रखनी है, कैसे रखना है आप यह देख सकते हैं।
अब हमने इसमें पानी डाल दिया, ये पानी की जो तब तक होगा ठीक होएगा, हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार आप मिला लीजिए, आप जैसे खाते हो उस हिसाब से आप अपना नमक मिला लीजिए। मैंने 2 चम्मच मलाई ली है, इसमें मैं थोड़ा सा दूध मिला दूंगी, इसमें मैंने दूध मिला दिया है, अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा शाही पनीर बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।